नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। आज हम बात करेंगे चुनाव को लेकर, चुनाव को लेकर और चतरा का चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि आज तक चतरा में लोकल सांसद नहीं बने हैं, उसी को लेकर एक व्यक्ति से आज मिलाने जा रहा हूं, जिनका बोल है लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। और उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या स्कीम लेकर चले हैं, क्या मिशन लेकर चले हैं, चतरा के लोगों को किस तरह से जागरूक करना है, चतरा के लोगों को क्या समझाना है कि वो लोकल सांसद बनाए, लोकल को चुने। आज तक पूरे चतरा जिला में कोई भी सांसद लोकल नहीं बने हैं। यहाँ तक कि आप KBC देखते होंगे, अमिताभ बच्चन ने सवाल किया था कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें आज तक स्थानीय सांसद नहीं बना है। तो सोच लीजिए कि हमारा चतरा जिला का ये सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि अभी तक यहाँ पे स्थानीय सांसद एक भी नहीं बना है। तो अभी मिलाते हैं उस व्यक्ति से, देवचरण दांगी जी हैं हमारे बीच, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो वोकल फॉर लोकल को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज में। सबसे पहले हमारा सवाल यही रहेगा कि आपका जो कहना है वोकल फॉर लोकल, इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाएं, क्या है इसका कहना? आपका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, चतरा लोकसभा का गठन 1957 में हुआ और 1957 से लेकर 2019 तक 16 बार चुनाव हो चुका है। 16 बार चुनाव में चतरा का कोई भी लोकल आदमी एक बार भी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुआ। पूरे हिंदुस्तान में चतरा लोकसभा ही एक ऐसा मात्र लोकसभा क्षेत्र है जहां से कोई स्थानीय व्यक्ति अभी तक चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुआ है। और आजाद हिंदुस्तान में चतरा लोकसभा बाहरी प्रत्याशियों का गुलाम क्षेत्र रहा है, इसीलिए वोट फॉर लोकल की आवश्यकता पड़ी है और मैंने वोट फॉर लोकल मुहिम को यहां चला रखा है। वोट फॉर लोकल के माध्यम से चतरा के तमाम लोगों से मैंने अपील किया है, तमाम मतदाताओं से, तमाम भाई बहनों से, तमाम किसान मजदूर भाइयों से और तमाम बुद्धिजीवियों से मेरी अपील है कि 2024 का लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें स्थानीय प्रत्याशी को जिताकर सांसद बनाने का काम करें, ताकि चतरा के माथे पर जो कलंक का टीका लगा हुआ है स्थानीय नहीं बनने का, वो कलंक का टीका जो है सो मिट सके और स्थानीय पुत्र ही स्थानीय समस्याओं को, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, रेल का हो, उद्योग धंधा का हो, सभी समस्याओं को बखूबी स्थानीय होने के नाते वो समझ सकेगा। इसलिए मैं स्थानीय की वकालत करता हूं और तमाम लोगों से पुनः एक बार अपील करता हूं कि सारे लोग ये संकल्प लें कि हर कीमत पर हम इस बार चतरा से स्थानीय सांसद जिताकर लोकसभा भेजेंगे। एक सवाल रहेगा देवचरण जी, आप बोल रहे हैं कि स्थानीय लोगों को लाना चाहिए, सभी जनप्रतिनिधियों को, बुद्धिजीवियों को, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को लाना चाहिए। मेरा एक सवाल रहेगा कि हमारे जो अभी वर्तमान में सांसद है सुनील कुमार सिंह जी, जो पहले वोट से जीते थे उससे बहुत ज्यादा अंतराल से इस बार वोट से जीते थे, करीबन 1.5 लाख ज्यादा वोट से जीते थे, तो लोगों में कहाँ सोच है कि स्थानीय को जीता है? वो तो अभी भी बाहर को ला रहे हैं और बाहर के लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मोदी फैक्टर है या सांसद बाहरी है फिर भी यहाँ आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सुनील बाबू का जो है योगदान बहुत ज्यादा नहीं है। मोदी फैक्टर आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, मोदी के कारण ही जो है सो अधिक मतदान लोगों ने किया है, लेकिन इस बार यहाँ के लोग जाग चुके हैं, इस बार कोई फैक्टर काम नहीं करेगा, इस बार सब लोग जान चुके हैं कि स्थानीय होना है, स्थानीय ही, स्थानीयता का जो सवाल है, जो स्थानीय समस्याएं हैं उसको जो है सो बखूबी वो समझता है, इसलिए इस बार हर कीमत पर सभी लोग संकल्प ले रहे हैं। और मैंने एक नहीं 50 से ज्यादा बैठक किया है और सभी बैठकों में तमाम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हर कीमत पर, चाहे हमको जितनी बड़ी जो है सो इसके लिए कुर्बानी देना पड़े, जितनी जितना बड़ा जो है सो हमको संघर्ष करना पड़े, सभी लोग स्थानीय के पक्ष में और इस बार स्थानीय को वोट देंगे और स्थानीय उम्मीदवार जो कर्मठ और ईमानदार होगा निश्चित तौर पर जीतकर सांसद बनेगा।
कहीं ना कहीं देवचरण दांगी जी का साफ तौर से कहना है इस बार लोगों में पूर्ण रूप से जागरूकता आ चुकी है और वो स्थानीय लोग ही इस बार सांसद बनाएंगे। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, कुछ दिनों पहले आपको JBKSS में देखा गया, तो क्या इस बार आप उस पार्टी से लड़ रहे हैं या क्या कहना है इसके बारे में बताएं? JBKSS के साथ देखा गया, उसके उनके पार्टी में देखा गया, उस पार्टी में आप विलीन थे, उनसे आप भाषण दे वहां पे हुआ था, कुछ आप बातें बता रहे थे लोकल फॉर वोकल के बारे में, उसके बारे में। JBKSS के साथियों का ये मानना है कि स्थानीय सांसद होना चाहिए, उनका जो संघर्ष है वो स्थानीयता को लेकर के है, चाहे वो भाषाई संबंधी बात हो या फिर जो है सो 32 के खतियान से संबंधित बात हो, तो सारी चीजें स्थानीयता से संबंध रखता है और हमारा जो प्रश्न है स्थानीयता का वो उनसे मिलता जुलता है। इसलिए उन्होंने जो है सो लोकसभा स्तरीय बैठक उन्होंने किया था और मुझे स्थानीयता के मुद्दे पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था। मैं स्थानीयता के मुद्दे पर अपनी बात दृढ़ता के साथ और पूरे जो है सो लगन के साथ रखा हूं, जिसको उन्होंने स्वीकार किया है और हमारे पक्ष में उन्होंने जो है सो ऐलान किया कि हमको ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनका अभी प्रत्याशी हूँ, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं JBKSS में इन्हें बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था और बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बताई थी। उसे मैं उस वीडियो को भी चलाऊंगा अपने चैनल में, आप देख पाएंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही थी कि 16 बार अभी तक चुनाव हो चुका है और 16 बार में एक बार भी हम स्थानीय सांसद को नहीं देखे हैं, बाहर के लोगों को ही हम सांसद बनाते आए हैं और कहीं ना कहीं हमें छला जा रहा है या क्या किया जा रहा है, ये लोगों को सोचने की बात है। यहाँ पे साफ तौर से इन्होंने कहा कि जब यहाँ का बेटा होगा, यहाँ का लोग होंगे, यहाँ के स्थानीय लोग होंगे तो यहाँ के मुद्दों को समझेंगे, यहाँ स्थानीय समस्याओं को समझेंगे, उन्हें क्या चाहिए, उनके बातों को वो आगे तक रखेंगे ताकि उन्हें उनका निराकरण हो सके, उनका सॉल्व हो सके, उन बातों को, उन कामों को जल्दी हो सके। तो इनका साफ तौर से कहना है कि लोकल को इस बार सांसद बनाया जाए। इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार वोट में लोकल ही आएंगे और लोकल को ज्यादा वैल्यू इस बार मिल रहा है। एक बड़ी बात यह भी है कि देवचरण दांगी जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वो कब किया गया था, और सोच सकते हैं कि ऐसे आदमी जो खुद राष्ट्रपति जी से सम्मानित होकर आए हुए हैं, वो लोकल के बारे में सोच रहे कि लोकल यहाँ के सांसद हो, लोकल यहाँ के लोग हों, ताकि मुद्दाओं को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाए, उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हुए थे आप और कौन से ईस्वी में हुए थे, सबसे पहले ये हमें। जी, मैं 2006 ईस्वी में महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के करकमलों द्वारा मुझे राष्ट्रीय सम्मान मिला है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय सम्मान पाया हूं। और केवल मैं ही नहीं, मेरा बेटा जो अभी DSP बने हैं उन्हें भी प्रणब मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। मैं झारखंड में ऐसे पिता पुत्र हूँ जो दोनों राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ और मैं राष्ट्रपति सम्मान पा करके गौरवान्वित हूँ और मैं चाहता हूँ कि चतरा में स्थानीयता का मुद्दा ला करके, स्थानीय सांसद पैदा करके, जिस तरह से अच्छे कार्यों के लिए मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिला है वो एक से एक बढ़ करके चतरा क्षेत्र के लिए अच्छा काम करके और राष्ट्रीय पहचान मैं चतरा को दिलाने का काम करूंगा। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सोच, आप सोच सकते हैं कि इनके फैमिली कैसी है। ये ना ही सिर्फ इनके पुत्र भी जो अभी DSP हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हो चुके हैं, और ये जो हुए थे APJ अब्दुल कलाम से हुए थे जो राष्ट्रपति थे, और उनकी सोच आप जान सकते हैं, उन्होंने भारत में मिसाइल जो शुरू हुआ था उनसे शुरुआत हुआ था और वो पैदा करने वाले हैं भारत में, उनकी उनसे ये सम्मानित हुए थे और इनकी सोच अब है कि लोकल को यहाँ पे लाया जाए। तो लास्ट में एक बार और आपसे एक सवाल करना चाहूंगा मैं कि चुनाव में इस बार आ रहे हैं आप? अभी तो मेरा मुहिम वोट फॉर लोकल का है और इसको एक एक पंचायत स्तर तक, प्रखंडों में भी, पंचायतों में भी मैं इसको ले जाऊंगा और पहले वोट फॉर लोकल के पक्ष में जन समर्थन मैं हासिल कर रहा हूं। अगर सारे जगह से सभी लोग ये चाहेंगे कि आप जो है सो मेरा उम्मीदवार बने, लोकसभा का उम्मीदवार बने, प्रत्याशी बने, तो लोगों की चाहत के अनुसार मैं निश्चित तौर पर प्रत्याशी बनूंगा और लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करूंगा। स्थानीयता का जो मुद्दा है उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से देवचरण दांगी जी ने कहा है कि इस बार
लोकल फॉर लोकल का वोट और लोकल को खड़ा होना है। इसलिए मैं लोकल को वोट दिलाने के लिए सबसे पहले गली गली प्रखंड गांव सभी जगह पे जाकर मैं पहले सुनिश्चित करवाना चाहता हूं कि लोकल को ही वोट दे। वो चुनाव में आएंगे कि नहीं आएंगे ये मुद्दा बाद में है, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि लोकल को ही वोट दिया जाए। आने वाले लोकसभा चुनाव में जो चरण दांगी जी का चेहरा भी निश्चित है कि वो अगर उनको सपोर्ट मिला तो वो जरूर आएंगे, और जिस तरह के इनकी विचार है, जिन तरह के ये व्यक्तित्व के इंसान है, जिस तरह के समाज सेवी हैं, ये जरूर इन्हें सपोर्ट मिलेगा, ये मेरी मान्यता है। आने वाला समय बताएगा लोकसभा चुनाव में फिर से बाहरी आता है या फिर से इस बार लोकल को स्थान मिलता है। बने रहे मेरे साथ, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़।